नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को जरूर दबाइए। दोस्तों, एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी विजया एकादशी होती है। दोस्तों, इस एकादशी के बारे में पुराणों में अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। दोस्तों, विजया एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित ये पूरी तरह से एकादशी है। साल के 24 एकादशियों में विजय एकादशी दोस्तों खास महत्व रखती है। ऐसी मान्यता है कि विजया एकादशी समस्त कार्यों में विजय प्रदान करने वाली होती है। दोस्तों, इस बार ये एकादशी 11 फरवरी रविवार को पड़ रही है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार विजया एकादशी फाल्गुन कृष्ण एकादशी को कहते हैं। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, जब व्यक्ति शत्रुओं से घिरा रहता है और पराजय उसके सामने रहती है, तो ऐसी स्थिति में विजया एकादशी शत्रुओं पर विजय दिलाती है। दोस्तों, प्राचीन काल में राजा महाराजा लोग भी विजया एकादशी को शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए किया करते थे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको विजया एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, जिसे करने से आपकी सभी समस्याएं खत्म हो सकती है। दोस्तों, उपाय इस प्रकार से हैं। इस उपाय को दोस्तों ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन, विजया एकादशी के दिन दोस्तों आंवले के रस को सबसे पहले सुबह जल्दी उठें और उठने के बाद आंवले के रस को दोस्तों अपने नहाने के पानी में डालकर आपको स्नान करना है। दोस्तों, ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद आपको विजया एकादशी के दिन आप विष्णु का है एक लोटे में दूध लेकर उसमें केसर दोस्तों डाल देनी है। दोस्तों, उसके बाद आपने दक्षिणावर्ती शंख लेकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना है। दोस्तों, ऐसा करने से आप पर माता लक्ष्मी की अत्यधिक कृपा होती है और आपके ज़िंदगी में कभी भी आर्थिक परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, उसके बाद आपने भगवान विष्णु को दोस्तों तुलसी के पत्ते जो है वो अर्पित करने हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्ते के संपन्न नहीं होती है, इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा के अंत में हमेशा तुलसी को जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इसमें आपने तुलसी के 7 पत्ते रखने हैं। ऐसा करने के बाद आपने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को अपनी इच्छा बतानी है और दोस्तों आपने एकादशी का व्रत रखना है। एकादशी का व्रत दोस्तों दोपहर के समय खोलें। ऐसा करने से दोस्तों आपकी ज़िंदगी में आ रही सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।